बिहार की राजनीति के दो दुश्मन लालू और नीतीश कुमार की दुश्मनी आखिरकार खत्म हो गई। आज लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने जनता दल यूनाइटेड को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। लालू यादव ने सांप्रदायिकता के खिलाफ एकजुट होने के नाम पर समर्थन का ऐलान किया है। जेडीयू ने आरजेडी के इस फैसले का स्वागत किया है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद जीतन राम मांझी को उन लोगों ने मुख्यमंत्री चुना है और हमने बधाई भी दिया जीतन राम मांझी को, राबड़ी देवी जी ने भी दिया, पार्टी ने भी दिया और उस सरकार को जो मैं देखता हूँ पूर्ण बहुमत है, जो रिक्वायरमेंट है अभी बिहार के असेंबली में। बीजेपी अपना सपना देख रही है उस सरकार को वहाँ कैसे वहाँ कब्जा किया जाए। बीजेपी तो इनके सपना को पूरा होने देना नहीं है मुझे, हमारी पार्टी को, और धर्मनिरपेक्ष ताकतों को हमें सिंधन करेंगे हमारी पार्टी बिहार में भी और देश भर में सब। मैंने बयान भी 16 तारीख को दिया था और इस संदर्भ में बाहर से हमारी पार्टी बीजेपी को रोकने के लिए समर्थन निश्चित रूप से हम उस सरकार को, जीतन राम मांझी के सरकार को पूरा कोशिश रहेगा कि सरकार पर कोई आंच नहीं आवे, अपना कार्यकाल ये पूरा करें। हम आरजेडी के इस रुख का समर्थन करते हैं। जनता दल यू, जनता दल परिवार के घटक दलों में अधिक विश्वास के साथ परस्पर सहयोग का हामी रहा है। इसी तरह के संकेत जनता दल एस के नेता श्री देवेगौड़ा से भी मिले हैं और जनता दल यू, जनता दल परिवार में फंक्शनल यूनिटी, टोटल यूनिटी का पक्षधर है। इससे सांप्रदायिक शक्तियों का हौसला पस्त होगा और बिहार पहला राज्य बनेगा जहां सांप्रदायिक शक्तियों को पराजित करके एक नई राजनीति की शुरुआत होगी। कि मुझे लगता है कि बिहार में आज मैं चैनल पर देख रहा हूं कि आरजेडी समर्थन दे रही है नई सरकार जदयू की, ये शायद नरेंद्र भाई मोदी के सुनामी को, जो आरजेडी कहता था कि मैं जेसीबी से रोक दूंगा, तो वो हताशा का में लिया गया निर्णय है और ये नापाक अवसरवादिता का परिचायक है। तो बिहार में नए राजनीतिक समीकरण पर लालू यादव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रमन कुमार ने। आरजेडी जेडीयू को कंडीशनल सपोर्ट करेगी। लालू जी, लोकसभा चुनाव के बाद जो परिस्थिति बदल कर आई, उसके बाद आपको लगता था कि जरूरी है वहां पर बात? देखो, बीजेपी और इनके खिलाफ हम लड़ाई में गए, देयर इज नो डाउट, और उसमें हम, हमारे जो मतदाता जो हमको वोट दिया एग्रेसिव, 1,06,00,000 वोट हमको मिला। नीतीश के पार्टी का करारी हार हुआ, हम सीटों में हम भी नहीं बढ़, 7 के अलावे आगे नहीं बढ़े, बहुत 30,000-25,000 से वोटों से हारे हम लोग। अब वह जो देश भर में ये अंधड़ का लाभ जो उठाया, मंडल वाली ताकतें, कॉमनल हारमोनी के पक्षधर जो पार्टियां हैं, उनको बहुत बड़ा अलग अलग रहने से सेटबैक हुआ है। हमने 16 तारीख को ही बयान दिया था कि सब लोग को मिलजुल के आगे की रणनीति को तय करना चाहिए। अब बीजेपी वहाँ नीतीश कुमार ने रिजाइन कर दिया, नीतीश हट गए वहाँ से, जीतन राम मांझी जी को बनाया गया है, उनको पर्याप्त बहुमत है जीतन राम मांझी को। लेकिन जो मैं अलग से देखता हूँ, उस सरकार को तोड़ फोड़, खरीद फरोश, आगे तरह तरह के प्रलोभन, बीजेपी को फायदा नहीं हो, इसीलिए आपने फैसला। बात सुनो ना पहले, बड़े बात दिक्कत है ना हम लोग को बात करने से। आप लोग तो 21 MLA हमारे हैं और बीजेपी को प्रिवेंट करने के लिए बिहार में पावर जो कैप्चर करना चाहते हैं, कई एक हथकंडा को अपना के, उसके लिए हमारा कोई कंडीशन नहीं है। इस सरकार को हम आउटसाइड सपोर्ट करेंगे, वही ऐलान हमने किया है, और इस सरकार को ब्लैंक भी नहीं है,
जनता के चूंकि पूरे कार्यकाल तक ये रहे लोग और जो आम जनता के जो सवाल है उसको सॉल्व कर रहे हैं और हम निकट भविष्य में भी हम समीक्षा करते रहेंगे और पार्टी के वर्कर्स को 5 जून को बुलाया भी अपना आगे की रणनीति पूरे देश के संदर्भ में जिसमें बिहार भी है तो तय करेंगे फिर लेकिन बीजेपी को प्रिवेंट करने के लिए हमारी पार्टी आई वाज ऑथोराइज टू टेक डिसीजन क्या स्टैंड होना चाहिए पार्टी है तो स्टैंड तो आना चाहिए तो बीजेपी को सपोर्ट का ऐलान करते हैं हम बिना शर्त समर्थन इनको रोकने के लिए। चलो लालू जी, नरेंद्र मोदी की जो ताकत पूरे देश में दिखी है आपको लगता है कि वो जरूरी है कि जो सामाजिक न्याय की पक्षधर जितनी भी पार्टियां हैं वो एक प्लेटफॉर्म बोल चुके हैं हम 16 को ही बयान है मेरा सब लोगों को सोचना पड़ेगा और जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इनवाइट किया गया है अच्छी बात है होना चाहिए लोगों आना चाहिए। धन्यवाद। कहीं ना कहीं अनकंडीशनल सपोर्ट आरजेडी की तरफ से जेडीयू को दिया गया है और बदली हुई परिस्थिति बुलाया गया है अच्छी बात है लोग आमे जरूर आना चाहिए लेकिन ये भी नहीं हो कि जैसे आडवाणी जी जीना जी के माथा टेकने गए थे इनका दुर्दशा हो या क्या हो। धन्यवाद। तो बदली हुई परिस्थिति में जी जो परिस्थिति उभर कर सामने आई है उस परिस्थिति में भले ही आरजेडी जेडीयू को सपोर्ट कर रही है लेकिन पूरी नजर आरजेडी की बनी रहेगी। रफीक के साथ अरुण कुमार, दिल्ली न्यूज 24। तो लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार ने दो दुश्मनों को एक कर दिया है। बिहार में लालू और नीतीश कुमार की दोस्ती पर बीजेपी नेता आर के सिंह ने क्या कुछ कहा है सुनिए। लोकसभा चुनाव के बाद अब बिहार में आरजेडी जेडीयू को इशू बेस्ड सपोर्ट दे रही है। हमारे साथ सांसद आर के सिंह हैं। सर, आपको लगता है कि दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा और अब जो है चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि हम इशू बेस्ड सपोर्ट करेंगे दोनों घोर विरोधी ये और दोनों जनता से रिजेक्टेड हो चुके हैं। ये दोनों सर्वाइवल के लिए एक दूसरे को क्लिगवान कर रहे हैं। नहीं जो दो डूबते बाढ़ में आप कभी देखे हैं लोगों को हाँ एक दूसरे से क्लिंक करते वही हालत। तो आपको आपको लगता है कि सर कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की अब मजबूरी हो गई है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ देखिए ये सिद्धांतहीन राजनीति का जीता जाता उदाहरण खाली कहे किसी तरह से क्लिंगोन करना है जनता ने रिजेक्ट कर दिया तो सिद्धार्थ से ये सिद्धांत भिन्नता कैसे ज्यादा ज्वलंत उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। धन्यवाद। यानी कहीं ना कहीं आरजेडी और जेडीयू के एक साथ आने के बाद अब आरके सिंह को ऐसा लगता है कि इस पूरे निर्णय में सिद्धांत की कोई जगह नहीं है। कैमरा पर्सन रफीक के साथ रमन कुमार, दिल्ली न्यूज 24।